थोड़ा सा आगे पास आगे। ये जो जामा मस्जिद है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉस्क है, तो हम उसका टूर लेंगे और आपको, आपने जामा मस्जिद बहुत बार देखी होगी लेकिन हम आपको उसकी नई दास्तान सुनाएंगे, तो चलिए। जामा मस्जिद नूरी की जवानी, जामा मस्जिद की कहानी। जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद पे हम करेंगे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पहुँचेंगे। गाइस करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, और रमजान में दिल्ली 6 जामा मस्जिद, तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे लगता है। क्या दिखाएंगे आपको पूरे जामा मस्जिद दिल्ली से, और बताओ क्या कर रहे, क्या आपको रमजान की रौनक, रमजान की रौनक देखेंगे, जामा मस्जिद को एंजॉय करेंगे और पहले खाना खा के आगे बढ़ाएंगे। हेलो गाइस चलते चलो, आइए आपको लेके चलते हैं इस पूरे शहर की सबसे ऐतिहासिक गलियों में, जो है पुरानी दिल्ली की गलियां। चलिए भाई, आज की जो गाइड है ना वो हमारी दिल्ली है। So let's start जामा मस्जिद। तो नूरी बताइए हमें कि जामा मस्जिद में क्या होगा? फैक्ट है जामा मस्जिद का कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉस्क है। थोड़ा सा आगे पास आगे। ये जो जामा मस्जिद है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉस्क है, तो हम उसका टूर लेंगे और आपको, आपने जामा मस्जिद बहुत बार देखी होगी लेकिन हम आपको उसकी नई दास्तान सुनाएंगे, तो चलिए। जामा मस्जिद नूरी की जुबानी, जामा मस्जिद की कहानी, नूरी की जुबानी जामा मस्जिद की कहानी। चलो गाइस, जामा मस्जिद के हम अंदर हैं और यहाँ पे रमज़ान के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा माहौल बढ़िया रहता है, तो आप भी लोग आएँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप भी आएँ, और रमज़ान के समय जामा मस्जिद में एक माहौल ही कुछ और होता है, एक खुशियाँ उमंग और उत्साह रहता है लोगों के बीच में। और ईद आने वाली है, तो ईद के टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप लोग आइए, ईद पे आइए, रमज़ान के टाइम में आइए और जामा मस्जिद को एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, अभी हम जामा मस्जिद के बाहर बैठे हैं। बोलो नूरी, बताओ। हमें बहुत मजा आ रहा है, यहाँ बहुत पॉजिटिव यू नो वाइब्स मिल रही हैं, और यहाँ की अजान वर्ल्ड बेस्ट अजान होती है, तो
या हीलिंग। तो मुझे कुछ बताओ मुझे जामा मस्जिद के बारे में, अगर तुम बता सकते हो। जामा मस्जिद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉस्क है और वन ऑफ द फेवरेट अजान है यहाँ की। अजान मेरी क्योंकि बहुत अच्छी अजान होती है। मक्का मदीना के बाद सबसे जो बेस्ट अजान होती है वो जामा मस्जिद। यहाँ पे हम बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं, पर अभी भी हमारा मन कर रहा है कि हम 5 मिनट बैठ जाएं, 5 मिनट बैठ जाएं। 5 मिनट करते करते हमने 10 आधा घंटा लगा दिया, तो अभी भी हमारा प्लान है कि हम 5 मिनट और बैठेंगे और फिर ये बाय 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 करेंगे सब। चलिए दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस जामा मस्जिद की और इस पूरी पुरानी दिल्ली की स्पेशलिटी जो कि है शरबत मोहब्बत, वो हम पियेंगे आज, वो देखेंगे कैसा होता है। लैंडलॉर्ड छीन लेते हमने शरबत मोहब्बत पे, हम करेंगे अपने शरबत मोहब्बत पे करेंगे हम अपने ब्लॉग को खत्म। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे। तो गाइस, और आपकी जिंदगी में ऐसे ही शरबत मोहब्बत की मिठास घुलती रहे और आप सबको फिर से एक बार रमजान मुबारक। टेस्टी है, रमजान मुबारक। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स के साथ कीजिए, फैमिली के साथ कीजिए और दोस्तों के साथ कीजिए। ओके, बाय बाय।